सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स के साथ मैं करने वाली हूँ इस मेकअप को। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना। एज वेल एज़ जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। सो यस गाइज, विदाउट फर्दर आडू लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले हम करेंगे हमारी स्किन को प्रेप। उसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का सीरम, ये है रोज हिप सीरम। एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना नरिशमेंट अपने स्किन को करना चाहिए इन विंटर्स, क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ट्राई करें, मॉइस्चराइज़र भी लगाएं, सीरम भी लाएं, और आपकी अल्ट्रा ड्राई स्किन है तो बहुत ही अच्छे से प्रेप करके मेकअप करें, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन, और ऑलरेडी मुझे ड्राई इश्यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये लाइक प्राइमर। एंड गाइज, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसका ऑयली टेक्सचर मुझे लगा, टू बी ऑनेस्ट, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मुझे काफ़ी थिन लगी अगर मैं और प्राइमर्स का कंपेरिजन करूँ। बट रिज़ल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मेकअप इसने काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रोका था। सो नेक्स्ट आई हैव दिस कंसीलर, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का। एंड गाइज, ये शेड मेरा नहीं है, बट ये मैंने ले लिया था और मुझे आज वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं करती। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे, और जिसमें मेरा शेड है वो है शायद मीडियम टोन वे, बाकी आपको जो शेड हैं वो नीचे मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइज, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता मेरे स्किन पे, लाइक ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर से भी थोड़ा सा लाइक ये डार्कर ही मुझे लगा। तो यस, अब मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है बनाना पाउडर, और ये है लाइक कॉन्टोरिंग पैलेट में ही आपको बनाना पाउडर मिलता है, क्योंकि मेरे पास कॉम्पैक्ट अवेलेबल नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसका पाउडर फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, और मैं वैसे भी इसको काफ़ी बार यूज़ कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने लिए है ये वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, और इसमें जो मेरा शेड है वो रोज़ इन द एयर। इसमें मैं सबसे पहले पिक करूँगी पर्पल कलर, पर्पल एंड गोल्डन कलर का मैं कुछ करने वाली हूँ, लाइक अभी मेरे माइंड में भी बहुत लाइक करते करते याद आता है टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो। सो सबसे पहले मैं अपने आउटर वी पे ये पर्पल कलर प्लेस करूँगी, एंड देन इसको अच्छे से क्रीज तक ब्लेंड आउट करूँगी, एंड देन इसमें मैं इनर में अपने गोल्डन थोड़ा सा स्पार्कल डालूंगी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्टन एंड लाइट लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना चाहती थी मैं, इस वजह से मैंने लाइट कलर ही पिक किया है। तो अब इसे अच्छे से अपन को ब्लेंड आउट करना है, एंड मेक श्योर कि आप ब्लेंड आउट जितना देर तक करेंगे, जितनी देर तक आप ब्लेंडिंग करेंगे आई मीन, उतना ही आपका मेकअप अच्छा रहेगा। तो अच्छे से ब्लेंड आउट करें आप। सो ये हो गया। नेक्स्ट मैंने लिया है गोल्डन कलर अपने इनर कॉर्नर्स के लिए, और इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि ये इसका और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत ही सर्टन एंड लाइट मेकअप है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करें तो मुझे टैग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं सेम पर्पल कलर अपने लाइक लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, और आप चाहो तो लाइक गोल्डन वाला भी पिक कर सकते हैं, पर पर्पल मोर अट्रैक्टिव लगता है तो पर्पल ही पिक करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आई हैव दिस मस्कारा फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और आईलाइनर मेरे पास नहीं है वेट एंड वाइल्ड का, तो मैं सिर्फ मस्कारा लगा रही हूँ, आप चाहो तो आईलाइनर भी लगा सकते, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा।
सो गाइज आई डन विद माई आईज़. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट एंड सर्टन मेकअप लग रहा है आईज़ का. नेक्स्ट आई हैव दिस फाउंडेशन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और जिस पे मेरा शेड है वो मैं मेंशन कर दूंगी, शायद गोल्डन बेज समथिंग है, बाकी मेंशन कर ही दूंगी मैं. अब गाइस हम इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे, और ब्लेंडिंग आप टाइम लीजिए, अच्छे से अच्छे ब्लेंडिंग कीजिए. अगेन मैंने सेम बनाना पाउडर लिया है एज ए कॉम्पैक्ट, एंड ये मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी जिससे कि फाउंडेशन की कोई क्रीज लाइन ना बने. एंड गाइज ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा. तो अब मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी. सो नेक्स्ट मैंने लिए वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट, एंड इसमें से मैंने मीडियम ब्राउन पिक किया है. और गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पाउडर फॉर्मूले में मिलेगी आपको, और बहुत अच्छा शेप भी प्रोवाइड कराती है. बट मैं मोस्टली पेंसिल यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल पेंसिल लगती है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो गाइज अब मैंने लिए स्पूली, और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सेपरेट करो, आप चाहो तो पाउडर फॉर्मूला में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सेम ब्रश से भी कर सकते हैं, बट मैंने स्पूली पिक कर लिया क्योंकि मेरे पास था. आपके पास नहीं है इन केस तो आप वो जो ब्रश इसके साथ रिसीव्ड हुई है उससे भी अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लशर, एंड गाइज ये वैसे काफ़ी अच्छा है बट ये बहुत ज़्यादा वॉश आउट करता है तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और इसमें शिमर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि ये एज ए हाइलाइटर ज़्यादा वर्क किया था मेरे फेस पे. अगर मैं कंपेयर करूँ ये ब्लशर वाला तो हिंट इसने दिया ही नहीं, ये फुल ऑफ हाइलाइटर वाला लुक दे रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा अगर मैं कंपेरिजन करूँ मेरे पास जो ब्लशर्स हैं उनका. तो बस ठीक है, ये ओके ओके लगा, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये, टू बी ऑनेस्ट. सो नेक्स्ट मैंने लिया है हाइलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. ये ब्लॉसम करके कुछ है, लाइक बाकी में दिमाग से निकल गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो ये अपने पूरे हाइलाइटिंग वाले पॉइंट्स पर आप अपने फेस को हाइलाइट्स कर लीजिए. नेक्स्ट मैंने लिया है गिव मी मोका लिपस्टिक, एंड गाइज ये बहुत ही अल्टीमेट लिपस्टिक है. आप सब जानते ही होंगे कि मेरी कितनी ज़्यादा फेवरेट है, मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि मुझे गिव मी मोका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. इसे हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हमारे लिप्स पे.
सो गाइज हेयर इज माई फाइनल लुक, बाय बाय गाइज।